हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। मैं सुनाता हूँ हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत तगड़ी होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। और वो स्टोरी आज मैं आपको सुनाऊंगा एक घर की। जी हाँ गाइस, एक घर की। जो ये घर है हैदराबाद के अंदर है, और ये इस घर का नाम कुंदन बाग है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हॉन्टेड स्टोरी है, ध्यान से सुनना हेडफोन लगा के। दोस्तों, सुनने से पहले आपको पहले चैनल को जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, तभी आपको सुनने में मज़ा आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात है 2002 की, जब एक गार्ड इस कुंदन बाग घर के अंदर गया था तो उसने क्या देखा, एक महिला की लाश पड़ी है और दो बच्चे मरे पड़े हैं। उसने देखा ये, तुरंत वहाँ से गार्ड निकल के भाग गया। अगले दिन इसको पकड़ लिया पुलिस ने। तो पुलिस ने पकड़ा तो इसने गार्ड ने पुलिस ने इससे पूछा कि उस घर में क्या हुआ था। तो इसने बताया गार्ड ने कि उसमें एक महिला की लाश पड़ी हुई थी और दो बच्चों की लाश पड़ी हुई थी। तो इससे पुलिस अलर्ट हो गई और इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। तो पुलिस ने पूछताछ करी वहाँ के आसपास लोगों से कि कैसे मरी, कैसे बॉडी यहाँ पर आई, क्यों मारा, किसने मारा। तो जैसे ही ये पूछताछ करने के लिए वहाँ पे पुलिस गई उस गांव के अंदर, तो जब गांव के अंदर गई, लोगों से पूछा, तो लोगों ने कुछ ऐसी बातें बताई जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, गांव के लोगों ने बताया कि इस घर के अंदर चार फैमिली रहती थी, ठीक है, तो और इनमें काफ़ी अनबन रहती थी, ठीक है। ये घर से बाहर निकलते नहीं थे, मतलब अपने घर में ही रहते थे, मतलब किसी से कोई बातचीत नहीं, आसपास पड़ोसी से कोई बातचीत नहीं, अपने घर में रहते थे। और दोस्तों, ना ही इनके घर में कोई न्यूज़पेपर आता था, कुछ नहीं आता था, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और कुछ नहीं आता था इनके घर पे। तो दोस्तों, गांव के लोगों ने यही बताया कि इनके घर में रात को चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आती थी। तो गाँव के लोग इनके घर पर गए थे, लेकिन उस महिला ने कुल्हाड़ी दिखा के इनको भगा दिया था। और दोस्तों, गाँव के लोगों ने यही बताया कि इनके घर पर एक तांत्रिक आता था, और ये भी बताया कि जो महिला और बच्चे हैं वो रात को घर के चारों तरफ मोमबत्ती लेकर राउंड मारते थे, ठीक है। और कुछ लोगों ने ये बताया कि जो और घर के आगे शीशे की बोतल में खून से भरी बोतल टांग देती थी। और दोस्तों, दो बच्चे घर के बाहर गार्डन में खून से भरी दो बोतलों से खेलते भी थे। दोस्तों, जब इस घर में लाशें मिली तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया, ये 3-4 दिन पुरानी बॉडी नहीं है, बल्कि ये 6-7 महीने पुरानी बॉडी है। उसके बाद लोगों को काफ़ी डर लगा, इसलिए लोगों ने उनके घर पर जाना बंद कर दिया और वहाँ पर सुनसान होने लग गया काफ़ी ज़्यादा। लोगों ने यह भी बताया रात को कि इनके घरों में आवाज़ आने लगी। तो क्या करा, 2-4 दिनों से लोगों ने कंप्लेंट करी और इनके घर पर से इलेक्ट्रिसिटी हटवा दी, क्योंकि लोग ऐसा बताते थे कि रात में लाइट लुपजू बहुत ही थी इनके घरों में। और कई लोगों ने यही बताया कि इस घर में कोई भी अगर जाता है तो उसको वो महिला दिखती है, खून से भरी बोतल हाथ में लेके दिखती है वो। और दोस्तों, आज भी घर ये सुनसान है और इस घर को कोई नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि उनको डर लगता है कि इसमें आत्मा है अभी भी, क्योंकि वो है ही, और इसमें आज भी लोग नहीं जाते और यहाँ पर बिल्कुल अभी भी सुनसान रहता है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी सुनसान रहता है यहाँ पर। दोस्तों, वीडियो यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी कुंदन बाग घर हाउस की स्टोरी? तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। बाय।